हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक डेटा एंट्री वेबसाइट के बारे में, ठीक है, जिसका नाम है hiredshine.com। एंड मैं पूरा रिव्यू करूँगी इस वेबसाइट को, मैं बताऊँगी आपको कि आपको वाकई इस वेबसाइट पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या आप इस वेबसाइट पर काम करके एक डिसेंट अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को आज मैं रिवील करूँगी, ठीक है। मैंने बहुत रिसर्च करी इस वेबसाइट पर, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, एंड काफ़ी क्वेरीज भी आ रही थी मेरे पास रिगार्डिंग दिस वेबसाइट कि मैं इसको रिव्यू करूँ, उस पर एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो मैं सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ इस वेबसाइट के बारे में। एंड एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी इस वेबसाइट के बारे में, मतलब जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी इस वेबसाइट के बारे में, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसी वेबसाइट के लिए नहीं, बल्कि हर एक वेबसाइट के लिए, हर एक ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट के लिए, चाहे वो डेटा एंट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हो, ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी हर वेबसाइट पर काम आएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, जिससे आप कभी भी किसी भी वेबसाइट के बारे में जान पाएंगे कि आपको उस वेबसाइट पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे एंड आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आप कॉन्टेंट चाहते हैं एंड आप लोग घर बैठे मनी अर्न करना चाहते हैं, आप लोग जेन्युइन रिव्यू चाहते हैं वेबसाइट्स का, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें। तो मैं आपको ले चलती हूँ अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, ठीक है, एंड मैं आपको बताती हूँ इस वेबसाइट के बारे में। सो गाइस देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं hiredshine.com, ठीक है, तो ये वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये बैनर इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। एंड अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो नीचे आप देख पाएंगे फ्यू बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एडवांटेजेस दे रखी हैं अपनी, एंड इसके नीचे इन्होंने यहाँ पे दे रखा है फाइंड वर्क एंड गेट हायर्ड, ठीक है। तो कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे हैं ये भी देख लेते हैं हम। टाइपिंग जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, पेड सर्वे जॉब्स हैं, प्रूफ रीडिंग जॉब्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कैटेगरीज में यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ से भी अगर आप जाएंगे करंट ओपनिंग्स में, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे बहुत ही सारी यहाँ पे जॉब्स हैं। देखो, पावर पॉइंट से रिलेटेड जॉब्स हैं, प्रूफ रीडिंग, ऑनलाइन टाइपिंग जॉब्स, ठीक है। तो ये सिर्फ एक डेटा एंट्री वेबसाइट ही नहीं है, मतलब एक तरीके से हम फ्रीलांसिंग वेबसाइट कह सकते हैं इसको, ठीक है। बट एक चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे जब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये एक ऐड है, ठीक है, जो कि बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मतलब ये एक ऐसा ऐड है जो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है किसी भी पर्सन को जो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है जो यहाँ पे मुझे इस वेबसाइट पे दिखी। कि अगर हम कंपेयर करें इसको बाकी की फ्रीलांसिंग वेबसाइट से, ठीक है, जो अच्छी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जो वाकई जॉब्स देती हैं लोगों को, तो उनमें कभी भी आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो वेबसाइट्स हैं अपना ही मॉडल होता है इनका, जिसपे काम करती है, इनका क्लाइंट से टाई अप होता है, कमीशन ये वेबसाइट्स अर्न करती हैं, तो इस तरीके से इनका अर्निंग सोर्स जो होता है, मतलब वो इस तरीके से होता है, ठीक है। बट अगर ये वेबसाइट्स एड्स प्लेस कर रही हैं अपनी ही पोर्टल पे, अपने ही प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो ये बहुत ही बहुत ही अजीब सी बात है। वैसे डिजाइनिंग अगर हम इसकी देखें तो ये प्रोफेशनली की गई है, ठीक है। देखो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, एंड यहाँ पे देखो दोनों तरीकों से यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि कैसे आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, आप एज अ फ्रीलांसर कर सकते हैं या एज अ बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे देखो यहाँ पे फिर ऐड आ गया, अब इसके नीचे देखो इन्होंने यहाँ पे पूरी अपने प्रोजेक्ट्स, ऑनलाइन वर्कर्स, मतलब सारी चीज़ें इन्होंने वेबसाइट डिजाइनिंग में कोई कमी नहीं कर रखी। वेबसाइट डिजाइनिंग जो है वो प्रोफेशनली करी है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने टेस्टिमोनियल्स भी दे रखे अपने क्लाइंट्स के, ताकि लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप हो पाए इस वेबसाइट पर। बट एक जो बहुत ही अटपटी सी चीज़ है वो यही है कि यहाँ पे देखो एड्स बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल रहे हैं, जो नॉर्मली नहीं दिखाई देते किसी भी अच्छी वेबसाइट की अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। अब देखो दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो नॉर्मल नहीं है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे साइन अप करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे, देखो हाउ इट वर्क्स पे आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे हाउ टू अप्लाई पर, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई एट hiredshine, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे फिर आपको एक ऐड देखने को मिल रहा है, ठीक है, एंड इसके नीचे यहाँ पे पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है, ठीक है, फिर से ऐड आ गया है यहाँ पर। मतलब जो चीज़ क्लियरली मेंशन होनी चाहिए वेबसाइट में, यार हम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सीधे हमें बटन दिखाओ ना हाउ टू अप्लाई का, जिस पे हम क्लिक करें और रजिस्टर करें, इतना ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। एंड गाइस देखिए, उसके बाद यहाँ पे आता है स्टेप्स टू गेट एनरोल्ड, ठीक है, चलो ये भी ठीक हो गया। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि कोई भी लिंक ही नहीं है यहाँ पे जिस पे आप क्लिक करो एंड आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे पहुँचो। तो सिर्फ एक लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज दिस लिंक, करंट जॉब ओपनिंग्स का लिंक है यहाँ पर,
ठीक है, तो चलो उसको हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इनका करंट ओपनिंग्स का पेज आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी आपको एड्स दिखाई देंगे। एंड यहाँ पे इन्होंने जॉब्स के बारे में बता रखा है कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, फिर वही चीज़ आ गई, ठीक है। एंड इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं है जिसपे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, मतलब जिसपे जो रजिस्ट्रेशन पेज तक आपको पहुँचाए, ठीक है। अब चलो अब एक काम हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हम यहाँ पे कोई जॉब चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। टाइपिंग जॉब्स पे हमने क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ पे इनका टाइपिंग जॉब्स का पेज आ गया, ठीक है। यहाँ भी आपको एड्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे एक्सप्लोर नाउ का बटन लगा हुआ है, ठीक है। कहीं पे अप्लाई नाउ कुछ भी नहीं है, मतलब एक ही लूप में आप घूमते जा रहे हो, ठीक है। एंड एड्स इतने ज़्यादा लगा रखे हैं इन्होंने, आई थिंक ये सिर्फ एड्स से ही मनी अर्न करना चाहते हैं एंड बाकी कुछ भी नहीं है इस वेबसाइट में, ठीक है। एंड गाइस देखिए एक चीज़ और कि कुछ टाइम पहले भी मैंने इस वेबसाइट को सिर्फ टेस्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने रजिस्टर करके देखा था, तो यहाँ पे मैंने सारी अपनी मतलब जो डिटेल्स हैं वो फेक डिटेल्स यहाँ पे दी थी रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड सारी डिटेल्स इस प्लेटफॉर्म ने मेरी ले ली थी, ठीक है। कोई भी एरर मुझे नहीं मिला, कोई भी वेरिफिकेशन मेरा नहीं हुआ, ना किसी नंबर का, ना किसी ईमेल का, ठीक है। तो मतलब तभी से मुझे लगा कि ये जो वेबसाइट है इट्स नॉट एट ऑल जेन्युइन, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ एक चीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए इस वेबसाइट पे कोई भी सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर एड्रेस नहीं है, नंबर इनका ऐसा जो कभी लगता ही नहीं, ठीक है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स दे रखी हैं। एंड इवन देखो अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो गूगल पर तब भी आप यहाँ पे देखोगे नीचे, ठीक है, कि इसके रिव्यूज भी दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है इज हरशाइन रियल और फेक, इसी को आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आंसर देखो आप सीधे सीधे पहला ही आंसर है नो, हरशाइन इज नॉट अ लेजिट साइट टू मेक मनी, इट्स जस्ट वन ऑफ द मेनी स्कैम वेबसाइट्स आउट देयर दैट एक्सपेक्ट्स यू टू स्पेंड टाइम ऑन देयर साइट एंड क्लिक ऑन एड्स, ठीक है। एंड वही हुआ अभी देखो हमने इतना सारा टाइम हमने दिया इस वेबसाइट को, हमने एक्सप्लोर करा, बट यहाँ पे एड्स ही दिखे हमें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का कोई बटन ही नहीं है, पता नहीं हटा दिया है या जो भी होगा, मुझे तो नहीं दिखा। अगर आपको दिखा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इवन देखो यहाँ पे आप देखोगे ट्रस्ट पायलट पे भी 1.4 स्टार रेटिंग है इस वेबसाइट की, जो कि बहुत ही बुरी रेटिंग है। एंड गाइस देखिए अगर मैं इसके अर्निंग प्रूफ की बात करूँ तो अभी तक मतलब इसका कोई प्रॉपर अर्निंग प्रूफ भी देखने को नहीं मिला है। एंड गाइस देखिए इसके साथ ही साथ अगर हम इसका डोमेन रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो सिटी स्टेट जो सारी चीज़ें आ रही हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन यूएस की है, ठीक है। यानी कि जो वेबसाइट एक्चुअल में ये यूएस के सर्वर पे रजिस्टर्ड है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। आई एम 100% श्योर कि ये वेबसाइट जो है ये फेक है, ये लेजिट नहीं है। सो गाइस देखो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए जब भी आप किसी भी वेबसाइट के लिए अप्लाई करते हैं। इतना ज़्यादा ब्लाइंड होकर के ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, आप पहले रिसर्च करो, ठीक है। आज मैंने जो वीडियो बनाई इसका मोटिव सिर्फ यही नहीं था कि मैं आपको इसी वेबसाइट के बारे में बताऊं, इसका मोटिव ये था कि आपको ये सारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ पाए, आपको मिल पाए, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको किसी भी फ्रॉड चीज़ में, किसी भी फेक चीज़ में एंड किसी भी रियल चीज़ में। सो गाइस मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस वीडियो को आगे शेयर भी करें बाकी के लोगों के साथ, ठीक है, ताकि उनको भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो गाइस आई होप कि आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो मैं चाहूँगी ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें रिलेटेड टू पार्ट टाइम जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम एंड हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ताकि आप सभी लोग घर बैठे मनी अर्न कर पाएं। सो गाइस इतना ही था फिर आज की वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।